हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खस्ता समोसा की रेसिपी। इसे हम इंस्टेंट मसाले के साथ बनाएंगे जिससे समोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें। समोसे का डो बनाने के लिए 2 कप मैदा लेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालें और मोयन के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी की जगह आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे समोसा बहुत खस्ता बनता है। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम मेजरमेंट में। अब हम 1/2 कप पानी लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक स्टिफ डो बनाएंगे और 1/2 कप पानी में आपका डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाता है। समोसे का जो डो होता है बहुत ज़्यादा नहीं गूथना चाहिए, इससे खस्तापन नहीं आता है। अच्छा, तो आटे को इकट्ठा करिए, इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट होने दें। अब इंस्टेंट मसाला हम बनाएंगे। इसमें साबुत धनिया लीजिए, जीरा लेंगे और कुछ गरम मसाले, जैसे मैंने सूखी मिर्ची ली है 2 से 3, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और थोड़ा सा काली मिर्च लेंगे। अब इनको धीमी आंच पर हम रोस्ट करेंगे। इंस्टेंट मसाले में रेडीमेड मसालों से ज़्यादा खुशबू रहती है और भुनने से इसमें एक अच्छा सौंधापन आता है जिससे समोसा बहुत टेस्टी बन जाता है। मसाले भुन चुके हैं, इन्हें अब ठंडा कर लें। इसके बाद हम इसे मोटा मोटा पीस लेंगे, बिल्कुल ऐसा देखिए। एक पैन में तेल गरम कर लें और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे तड़का के लिए। जीरा जल जाए तब हम इसमें डालेंगे हरा मटर। हरा मटर डालना ऑप्शनल है, अगर है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और जब डाल रहे हैं तो इसे बॉईल करके डालें और अब इसे हम थोड़ा देर भून लेंगे, 1 से 1.5 मिनट। और इसी में हम डालेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालें। और फिर से इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर डालेंगे उबले हुए आलू। 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू मैंने लिए हैं और इसे रफली ऐसे मैश करके डालना है, बिल्कुल बारीक मैश करके मत डालिए। समोसे में ऐसे रफ आलू अच्छे लगते हैं। और साथ में ही ये भुना हुआ मसाला भी डाल दीजिए सारा। और 1 छोटा चम्मच आप डालिए चाट मसाला पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिलाइए, फिर गैस बंद करके इस पर धनिया पत्ती थोड़ा डाल लें, फिर इसे अच्छी तरह से मिला लें और एक तरफ रख दें ठंडा होने के लिए। जब तक हमने मसाला तैयार किया है तब तक आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे दोबारा थोड़ा इसे हम मसल लेंगे और एक बराबर डो बना कर रख लेंगे। 7 से 8 डो तैयार होता है इससे। अब इसकी हम ओवल शेप में रोटी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और चारों तरफ से बराबर आप बेलें। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही आपको एक रोटी बनानी है। और बीच में से इसे हम 1/2 कर लेंगे और कटे हुए साइड में हम लगाएंगे थोड़ा पानी और इस तरह से इसे फोल्ड करिए। 1/2 पर से इस तरह से इसको चिपका दीजिए और अच्छी तरह से चिपकाना है, थोड़ा सा दबाकर, ये खुलेगा नहीं। और ये समोसे का कोन तैयार हो गया और इस तरह से हाथ में रख लीजिए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे थोड़ा, और जो खुले हुए भाग हैं उसमें भी पानी लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लीजिए जैसा मैंने इसमें दिखाया है, बिल्कुल ऐसा। बहुत ही आसानी से ये समोसा का कोन तैयार हो गया, ये देखिए। और इसी तरह से सारे समोसे आप बनाकर रख लें। और चलिए अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के जो तेल है ना, मीडियम हीट होना चाहिए, क्योंकि समोसा जो होता है पकने में बहुत टाइम लेता है, तभी इसमें खस्तापन आएगा और अंदर तक पकेगा। इसे तेज आंच पर आप पकाएंगे तो समोसा जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इसे फ्राई होने में टोटल आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। और ये देखिए हमारा समोसा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है।
बहुत ही मजेदार ये समोसा बना है, बिल्कुल खस्ता है मार्केट के जैसा। आप भी इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे आप हरी चटनी और मीठी चटनी साथ सर्व करिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। आप भी अपने घर पर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं।